हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैशर। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिरामार में किस तरह मैच जीत सकते हैं। तो दरअसल ये जो है आज मिशन आया हुआ है ग्लोबल ट्रीजर हंट में कि विन अ मैच इन ए मिरामार मैप। तो आपने क्या करना है, मिरामार को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर मैं सोलो खेलूँगा। अगर आप स्क्वाड के साथ खेलना चाहें तो आप स्क्वाड के साथ भी खेल सकते हैं। अगर आपका कोई मिशन वगैरह है और आप लाजमी जीतना चाहते हैं तो आपने कोई ऐसा सर्वर लगा देना है जिसमें आपकी रैंक बहुत कम हो। जैसे यहाँ पर मैं KRJP लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं Bronze 3 में हूँ, तो इसी को ही मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी ऐसे सर्वर में खेलना चाहते हैं जिसमें आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप उसमें भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको मैं सभी तरीक़ेकार इस वीडियो में बताता हूँ कि आपने किस तरह मैच जीतना है यहाँ पे। तो उससे पहले मेरी आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले अगर आपने मैच को जीतना है तो आपने किसी ऐसी जगह पे लैंड करना है जो जोन के जो है जहाँ से एरोप्लेन जाता है उससे बिल्कुल दूर हो, या किसी ऐसी जगह पे उतरना है जहाँ पे कोई भी ना जाता हो। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे उतरा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस लियोन्स में कुछ मिशन करना था, कुछ इमोट्स वगैरह का मिशन करना था, तो मैंने यहाँ पे जो है लैंड किया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गन्स वगैरह ढूंढ लेनी है। अगर आपने एक ही बिल्डिंग में रहना है और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से जो है आपको कोई अच्छी गन मिल जाए। अगर आपको कोई अच्छी गन वगैरह नहीं मिलती, अगर आपको कोई शॉर्ट गन वगैरह भी मिल जाती है तो वो भी सही है, उसे भी आपका काम चल जाएगा। तो आपने करना क्या है, एक ही बिल्डिंग में रहना है। अगर आपको पता चल जाए कि नीचे से कोई बंदा आ रहा है तो आपने DPP मूड जो है यहाँ पे लेके रखना है, और जैसे ही वो ऊपर आए आपने डायरेक्ट उसको किल कर देना है। और अगर आप शॉर्ट गन सही से यूज़ कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो आपने जो है दूसरी गन्स उठा लेनी है और आपने वही गन यूज़ करनी है जो आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सको। यानी कि जो AKM है उसका रिकॉयल बहुत ज़्यादा है और जो M4 और स्कारल्स वगैरह उनका इतना रिकॉयल नहीं है। तो मैं जो है यहाँ पर AKM यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं जो है यहाँ पर AKM को थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना अच्छा तो कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर पाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरा बंदा आया तो उसको भी हमने इजी यहाँ पे किल कर दिया है। तो आपने सिंपली अगर आपके पास बंदे ज़्यादा है तो आपने जो है एक ही कमरे में रहना है और उस कमरे से जो है आपने बाहर नहीं जाना है, और सिंपली आपने अपने आसपास इर्द गिर्द उधर वगैरह देख लेना है और अच्छी तरह आपने तसल्ली कर लेनी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरफ से जो है बंदा है। किसी साइड से आपको बंदा नज़र आता है तो आपने उसके पीछे भागना नहीं है। ये नहीं है कि आपने किसी बंदे को देखा और आप उसके पीछे जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इजी किल कर दोगे। तो यहाँ पर जो है एक बंदा मुझे नज़र आ रहा था तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक दो सिंगल फायर किए ताकि उसको पता ना लग सके कि मैं रियल बंदा हूँ या बोट हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस पर फायर किया लेकिन वो जो है उसने कवर ले लिया जल्दी से और वो बच गया। तो आपने उसका वेट करना है, जैसे ही वो आपके सामने दोबारा आता है तो आपने उसके किल करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया और उसी पे आपने नज़र रखनी है, यानी कि आपने उधर उधर ज़्यादा नहीं देखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बंदा जो है ऊपर आ गया था, और ऊपर आने के बाद आपने जैसे ही वो आपको नज़र आए आपने उसको किल कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने जो है ईजिली यहाँ से किल कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब मेरे साथ वाला जो रूम था उसमें फुट स्टेप मुझे आ रहे थे तो आपने उस पर नज़र रखनी है। और यहाँ पर जो है बंदा आ गया नज़र, तो यहाँ पर इसको मैं मारना चाह रहा था लेकिन पता नहीं मैं कैसे नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको मार दिया। तो इसको जो है हम यहाँ से लूट वगैरह इसकी कर लेते हैं। और आपने सिंपली ये जो एक दो रूम होते हैं, अगर साथ में आपके कोई और बंदा नहीं है तो आपने उसी रूम में ही जो है रहना है। तो यहाँ पर जोन जो है हमसे दूर बन गया था, अगर जोन आपसे दूर बन गया है और आपके पास कोई बंदा नज़दीक है तो आपने उसको किल कर लेना है। और यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि सीढ़ियाँ जो है मीरामार में बंदे को पता नहीं चलता है कि किस साइड से जो है नीचे जा रही हैं या ऊपर आ रही हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सीढ़ियाँ आपके लेफ़्ट से ऊपर आ रही हैं या आपके राइट से ऊपर आ रही हैं। अगर आपको पता नहीं होगा और आप लेफ़्ट पे देख रहे होंगे और बंदा राइट से आ जाएगा तो आपको वो पड़ा ईजिली मार सामान। देगा। तो यहाँ पर जो है जोन हमसे काफ़ी दूर बन गया था, और यहाँ पर अपने हेल्थ आपने पूरी कर लेनी है और उसके बाद जो है आपने जोन की तरफ जाना है। जोन की तरफ जाने के लिए
सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपने कोई गाड़ी वगैरह ढूंढ लेनी है। अगर गाड़ी वगैरह आपके पास नहीं है तो आप किल हो सकते हो, क्योंकि अगर आप पैदल जाओगे तो आप इजीली किल हो जाओगे, और अगर आपके साथ कोई गाड़ी वगैरह होगी तो आप जो है इजीली जो है यहाँ से जो है निकल सकते हो गाड़ी से। तो यहाँ पर मैंने कुछ लूट वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी वक्त से एक ही कमरे में था और मेरे पास जो है कुछ ख़ास लूट जो है वो नहीं थी। तो अगर आपने पहले से ही बंदा मार रखा है और आपके आसपास भी बंदे हैं तो आप बिल्कुल भी लूट ना करें, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि अब आसपास कोई नहीं है तो उस वक्त आप लूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने एक बंदे को किल किया था और उसकी लूट मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से वो ऊपर गया था और यहाँ पे जाके जो है मैं उसकी लूट कर लेता हूँ। अपने टाइम को आपने देखना है कि जून कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है जून का तो आपने जो है लूट वगैरह को छोड़ के जून की तरफ निकल जाना है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर मैंने एक बग्गी देखी हुई थी, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे लूट कर रहा था। और साथ में अगर आपके कोई ड्राप वगैरह भी गिरता है तो आपने ड्राप पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको मैच जीतना है, और ड्राप पे अगर आप जाएंगे तो आपके जो है किल होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर है कि कोई भी नहीं है ड्राप पे तो आप ड्राप को लूटने जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक और फुट स्टेप मुझे नज़र यहाँ पे आ गए, यानी कि सुनाई दिए, और तो यहाँ पर मैं इधर देख रहा था तो यहाँ पर एक बंदा था, उसको मैंने इजीली किल कर दिया। और उसके बाद आपने क्या है गाड़ी लेनी है, और गाड़ी लेके जो है आपने जोन की तरफ जाना है। तो मुझे यहाँ पर बग्गी मिल चुकी थी और मैं काफ़ी लेट भी हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपने ज़्यादा लालच वगैरह नहीं करनी है और आपने ज़्यादा लूट नहीं करनी, वरना आप जोन में भी मर सकते हो। तो जोन में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली कवर वाली जगह लेनी है। आपने कवर लेना है किसी भी रीच या कमरा वगैरह जो है, आपने वहाँ से जो है कवर ले लेनी है। अगर कोई भी बिल्कुल भी कवर नहीं है तो आप अपनी गाड़ी से भी कवर ले सकते हैं, और अपनी जो है फर्स्ट एड वगैरह आपने यूज़ कर लेना है अगर आप डैमेज हुए हैं। और आपने क्या करना है, पीछे की साइड जाना है और पीछे की साइड जो है आपने कंफर्म कर लेनी है ताकि पीछे आपके कोई भी बंदा ना हो। तो यहाँ पर जो है गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पे जो है मैंने फायर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इसको किल नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी मुझसे थोड़ा दूर निकल गई और मैंने उसको फायर नहीं किया। फायर आपने इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने अपनी लोकेशन एनिमीज़ को नहीं बतानी है। अगर आप फायर ऐसे ही कर देंगे तो उनको जो है आपकी लोकेशन का पता चल जाएगा, और उसके पास अगर कोई स्नाइपर वगैरह होगा तो वो आपको इजीली किल कर देगा। तो यहाँ पर एक बंदे को किसी ने मार दिया और वो बंदा मैंने देख लिया, तो इसको जो है मैं यहाँ से मार देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं AKM का जो रिकॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अच्छी तरह से बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आप AKM नहीं उठानी है, आपने M4 वगैरह उठा लेनी है, उसका जो रिकॉयल है वो कम होता है। और उसके साथ भी जो है यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ गया था, तो उसको भी जो है मैं यहाँ पर किल कर देता हूँ। आपने सिंपली करना क्या है, कवर लेके आपने उसको मारना है। ये नहीं कि आप खुली जगह पे खड़े होकर फायर करो, आप जैसे ही बंदे को मार लो आपने दोबारा अपनी कवर पे आ जाना है। और उसके बाद जोन को भी आपने देखना है, अगर जोन जाते वक्त आपके पास कवर नहीं है तो आपने स्मोक करना है, लेकिन अगर आपके पास कवर है तो आपको स्मोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बंदा मैंने देखा जो लास्ट बंदा था, तो मैं उसको मैंने ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो दूर था और उसको मैंने देख लिया कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ पर जो है मैंने कवर ले लिया। तो यहाँ पर जैसे ही ये बंदा नीचे था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपने सिंपली अगर आपको पता चल गया कि सामने बंदा है तो आपने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उस पर रश कर देना है, अगर आप रश करेंगे तो आपके किल होने की चांस भी हो सकते हैं, यानी कि आप भी मर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड उसके ऊपर फेंक दिया, तो या तो वो बंदा किल हो जाएगा और या बंदा वो जो है वो यहाँ से भागेगा। तो अगर वो बंदा किल नहीं होता और यहाँ से भाग जाता है तो आपने उसको फायर करके मार देना है, और इजली आप जो है यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा यहाँ पर किस तरह हमने बहुत ही आसानी से मैच जीत लिया है, यानी कि सिंपली आपने ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स है इसको फॉलो करना है। तो यार इस वीडियो में इतना था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर